तो गाइस यार ये हूं मैं जो कि ट्रैप बॉबी हूं ओपीएस एमपी के सबसे खतरनाक प्रिजन में। तो यहां पर मैं कैसे आया वो जाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, सो एंजॉय द वीडियो। सो गाइस हंटर गैंग को बैन करने के अगले दिन ही मैं और किलर सुबह सुबह गेम खेल रहे थे, तब हमारे पास आता है एक बंदा। वो बंदा हमसे क्या कहता है वो आप खुद देखो। किलर यार देखना यहां पर मेरे को किसी का बेस मिला भाई, इधर ये कोबस्टोन क्या कर रहा है? कौन सा है? कौन सा है? ये कौन है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन सा है? कौन सा है? कैन यू प्लीज स्टॉप, आई एम सो बोर प्लीज। ये इंग्लिश क्यों बोल रहा है भाई? आई एम सो बोर। कहां रहता है भाई? नेदरलैंड में रहता है ना? नेदरलैंड? ये कौन सा लैंड है भाई? हां ये भाई असली चीज देखिए अभी आ गया भाई। अरे डीपी व्हाट इज डीपी? हेलो हेलो यस यस वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम नेदरलैंड। नेदरलैंड? लिटरली नेदरलैंड से? ऐसा तो यू रियली सो क्या हुआ मतलब नाम है क्या? अरे क्या किलर क्या हुआ इंग्लिश में बता दे क्या 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 बोलते क्या बोलते उसको? अरे मतलब उसको क्या बोलते मतलब मेरे को उससे पूछना है कि मेरे को उससे पूछना है कि मेरे को क्या पूछना है उससे क्या के मतलब क्या काम से आयो? क्या काम से आयो? इसे इंग्लिश में कैसे बोलूं? इसने बोला है कि ये बॉयज गैंग बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा फेमस है तभी मैं यहां हूं। अच्छा, हां बॉयज गैंग इज वेरी फेमस। हां बस सो कैन आई हैव सम स्टफ लाइक अनदर आर्मर? तेरा बाप यहां छोड़कर गया था कि तेरी मां? व्हाट डू यू मीन हम व्हाई आई एम गिविंग यू स्टफ? इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। भाई तुमने भोजपुरी और इंग्लिश का मिक्सचर बोला। अच्छा अच्छा ओके ओके भोजपुरी और इंग्लिश से ओ ओ डू यू वांट टू जॉइन बॉयज गैंग? यस 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 यस। हां देख मैंने बोला ना इसकी साले की ये जिस तरह बात कर रहा नहीं हरामपुर मेरे को लग ही रहा था ये बॉयज गैंग के लिए है क्योंकि पहले तीन चार बंदे आ रखे हैं। हे बोलो डीपी कम हियर कम हियर ब्रो कम हियर ब्रो। यस आई एम फॉलो मी फॉलो मी फॉलो मी। आई एम कमिंग कम गो टू द टॉप फ्लोर ऑफ द ट्री हाउस and do a water bucket trick. Get the water bucket. Hey, I don't know water bucket. If you do water bucket then I'll select then kya bolte hain then I select you in boys gang. Jaldi ja then I will okay, go. Hey why are you breaking the house? There is a gate bro. okay go up there fast. Go on the top floor and jump. उसको टीम में ले लेते हैं अमन इंग्लिश सीख जाए कुछ तो फायदा होगा हार्ड। Only 1.00 Yeah, it is. MLG, you are so pro. I definitely take in our team. But, you are very, very gandu, bro. You are very, very gandu. What? What does that mean? That gandu mean? It means good heart.
I'm a good hearted person for you, na? You are taking points from Big Boss and helping you, Sanchalak. You very gandu, bro. About gandu. Gandu, bro, gandu. Hey, what is gandu? What is gandu? Okay. It's a very good word which is used for pro players that break like very, very pro players like Killer. He's a very good gandu. Okay, and next is you, which is, you are also so pro. I'm not that pro, so I'm hello, not that go, hello, go, fire. Yes. मैं इंडिया में रहता हूँ एंड मैं नेदरलैंड में ही रहता हूँ, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ, ठीक है। एंड भाई मैं तुम्हारी गैंग गांडू है, भाई मेरे को नहीं ज्वाइन करनी तुम्हारी गैंग, मैं जा रहा हूँ, ये सर्वर लीव करके जा रहा हूँ। किलर के बच्चे साले नेट हग रहा तेरा, तेरी जिंदगी की तरह तेरे नेट भी हग रहा है पड़ा छपरी। फिर जब अगले दिन मैं डिस्कॉर्ड सर्वर के वीसी में गया ना, तो मेरे को दिखा कि दो बंदे जो हैं ओपीएस गैंग के वो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। तो वो क्या बात कर रहे थे आप खुद सुन लो। ईशान भाई तूने गन पाउडर फार्म बना दिया? हां बना दिया। हेलो एसएमएम में खेलोगे? हेलो हां एसएमएम में खेलो। हां और आप वीसी में कभी आए? तुमको साउंड नहीं आया? अभी आए लेकिन तुम एक कॉर्ड बता तो मैं भी आ रहा हूं साथ में खेलेंगे। हां ओके। अरे कॉर्ड्स कैसे बता दे भैया? अरे बताओ यार, खेलेंगे ना साथ में, क्या दिक्कत है? अरे भैया हम दोनों दुश्मन गैंग के हैं, कोर्ट सुन नहीं बता। तुम्हारी गैंग के लीडर को मैंने पिछली बार हंटर गैंग से बचाया, उनको बेचारों को बैन कर दिया तीनों को, और तुम बोल रहे हो दूसरी गैंग से। सही में अभी भी लड़ाई नहीं होता? तुम लोग कहाँ पर हो? खेलते आ जाओ। अरे हम लोग तो अपने बेस पर काम कर रहे थे हम लोग। क्या कौन सा काम? उतना तो नहीं बता सकते, बस ये बता सकते हैं कि हम लोग जो भी करने वाले उससे आपको और एसएमपी के स्पॉन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कौन सा like, ऐसा क्या काम है? मैंने बस आपको हिंट दे दिया, अब आप ढूंढ सको तो समझ लो। ए, क्या क्या कर रहे हो? स्पॉन तोड़ना तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, पता चल जाएगा बाद में। हाँ बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये क्या दोगला बना तुम लोग का? व्हाट? चलो वीसी लैप कर दो, हमको खेल ले दो भाई। हाँ तो भाई लोग यार मेरे को इनकी नियत से बिल्कुल लिख नहीं रखे थे, इनकी नियत में मेरे को कतई जहर वाला खोट लग रहा था, क्योंकि 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 ये बना रहे थे गन पाउडर फार्म। गन पाउडर फार्म से क्या ही करेंगे भाई, गन पाउडर मिलेगा ऑफ कोर्स। और कल ओम मेरे से बोला था कि मैं सैंड माइनिंग करने जा रहा हूं, उसने मेरे से शवल भी ली थी, तो गन पाउडर प्लस सैंड क्या बनता है भाई? ऑफ कोर्स टीएनटी से इनका क्या प्लान होगा? स्पॉन तोड़ना, यही ये चाहते हैं, इसलिए बोले हैं स्पॉन का नुकसान होगा ऑफ कोर्स। सो मैं तो स्पॉन तोड़ने दे नहीं सकता, सो मैं रेडी हो गया मेरे बॉयज गैंग के साथ। बॉयज गैंग रेडी? वो देखो सामने गन पाउडर फार्म दिख रहा है थोड़ा गुड़ का। सही क्या? किधर? सामने देखो सामने। अबे किधर ना? अरे सामने देखो तुम्हारे थोड़ा। अरे हाँ मेरी, अच्छा मेरी चंग कम है इसलिए नहीं दिख रहा था। दिख गया। हेलो यही पक्का यही उनका भेज है ना? पक्का, क्योंकि ना ये ऐसी जगह पे ही और तुम्हें पे तो वो मैं भी है ना। नहीं किसी और का भी तो हो सकता है, कितने 18 बंदे भाई एसएमपी में, उनका ये ना पक्का 100% हो सकती, क्योंकि ना उनका ऐसा ही बेस होता है, मैंने उनके साथ रहा है ना अभी। जल्दी अरे उनके कहीं विलेज तो देखे क्या उसके, मतलब कभी तेरे को कुछ पता है? नहीं मैंने कभी नहीं दिखाऊंगा, मैं उनके साथ ही नहीं हूँ। अंदर चलते ये पहले काम करते हैं, काम करो पहले ये गन पाउडर फार्म डिस्ट्रॉय करो पूरा। आ जाओ डिस्ट्रॉय करो। मैं वो मैक्स भी फार्म डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, तुम लोग ये गन पाउडर फार्म पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है? जल्दी डोंट को चल, ये गन पाउडर फार्म फोड़ दे, जल्दी चल आग लगाते हैं। हां ये फालतूगिरी कर रहे हैं, अब ये लो टीएनटी से फोड़ोगे स्पॉन तोड़ोगे, ये लो सारो, अब तोड़ो स्पॉन और बनाओ गन पाउडर फार्म। टीएनटी लगा, टीएनटी ग्राइंड कर रहे थे बंदे। हाँ देख मैं, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, ठीक है भाई इनका तो पूरा गेम बजाना पड़ेगा। तो इनके कहीं ना कहीं मैंने इनके बातें सुनते मतलब देखा है इनको वीसी के अंदर, ये कहीं इनके पास विलेजर तो ऑफकोर्स होंगे यार, इतना बड़ा बेस बना रखा है इन्होंने, इनका पूरा वो सिविलाइजेशन है, तो इनका कोई ना कोई विलेजर तो होंगे। जल्दी ढूंढ यार, जल्दी यहीं कहीं होंगे उनके विलेजर।
डॉन बिस्कुट तो ये गन पाउडर फन तो मैं जीतो ये देखो फाउंटेन के अंदर मुझे फाउंटेन के अंदर देखो फाउंटेन फाउंटेन जल्दी अंदर रुक एक मिनट जल्दी अंदर जाके देखो ये देखो वेट यहां पर विलेजर मैं मार 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 डॉन बिस्कुट तोड़ रहे तोड़ रहे किधर है किधर है एमटी लोकेटर मैं दिखा रहा हूं उनको ओ साइड है उस साइड है उस साइड है उस साइड वो देखो हो रहा जल्दी अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक ज्वाइन नहीं हुई ये अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ मार दे क्या हां तुम नहीं नहीं मारते वो मैं रूल में है अरे हां हां रूल है चलो एक थोड़ा इसको ये थोड़े में मूवमेंट करेगा ना तब हम मार देंगे इसको खत्म कर देंगे ठीक है बिस्कुट रेडी रहियो मार 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 जानोगे जानोगे हिलने लगा मार मार मारा तुमने लेकिन हार्ट मेरे पास आया वाओ ओके ठीक है आर्मर अब इनके देखो अब इनके मैं तो बोलूँ ये जो जितने विलेजर के घर है ना इनके ये सब भी जला देना स्प्लिंटर स्टील बना किला स्प्लिंटर स्टील बना जल्दी जल्दी ठीक है मैं जला रहा हूँ बना रहा हूँ हाँ ये मेरे पे था ये स्प्लिंटर तो मेरे पे आयरन भी था इनको चेस्ट से ले लेता हूँ हाँ बन गया मेरी आईटी पे चल हाँ बन गया और बिस्कुट ये ले तू फिर तो चलो मेरे पे भी ऑलरेडी थी चल मेरे को चेस्ट से मिल गई यहाँ पर मतलब तो जल्दी जल्दी चला 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 पूरा विलेज चला दे सालों की स्पॉन तोड़ेंगे ना ये स्पॉन तोड़ेंगे सारा इनका बेस ही तोड़ देंगे हम स्पॉन तोड़ेंगे ये लोग और ज्यादा बन रहे थे चलो तोड़ो और तोड़ो सारा स्पॉन और तोड़ो अब मैं तो अगर नेदर का जाने का रास्ता बनाता हूँ एक वो पोर्टल बनाता हूँ मैं जल्दी वहाँ पहुंच जाएंगे बाद में वो हमको धमकी देने लगे कि हम तुम्हारा कासल फोड़ देंगे तो हम जल्दी जल्दी स्पॉन पे पहुंचे तो मैं तो स्पॉन पे आ गया लेट को जल्दी आजा किलर मैं आ गया भाई मैं आ गया अच्छा ये बिस्कुट पता नहीं कहां रह गया भाड़ में जाएगी चल इधर आजा ये साला इनके कासल एक कासल पे रहता हूं रुको ये वरना कुछ इनके भरोसा नहीं है यार ये ओम वगैरह आगे तो ये साला कासल फोड़ देंगे क्या ही बोलूं मैं साला मैं भी देखता हूँ मेरे कासल के सामने मैं पूरी रात दिन पूरा खड़ा रहूंगा देखते हैं कौन तोड़ता है खड़ा दम है किसी के अंदर आ जाए गॉड ऑफ फायर से लड़ ले हाथा पाई कर ले दम है तो कुल मिला के पूरी ओमपीएस गैंग हमारे पीछे पड़ गई थी क्योंकि हमने उनका बेस फोड़ दिया था और ये बोले थे तुमने रूल तोड़ा तो रूल पहली बात के रूल ये था कि स्पॉन के जो स्पॉन ब्लॉक है ना जहाँ से हम वर्ल्ड स्पॉन है उसके 300 ब्लॉक्स की रेडियस में जो अपना स्पॉन है ना वहाँ पर हम कुछ नहीं तोड़ सकते बाद में अगर किसी का सीक्रेट बेस है सीक्रेट अड्डा वो तोड़ो ना और वो सीक्रेट अड्डा था उनका हमने तोड़ दिया बस उसमें क्या दिक्कत क्या थी भाई और बाद में मेरे को ओम का कॉल आता है और बाद में क्या होता है आप खुद देखो यार हेलो गोल्ड भैया आपने हमारा बेस तोड़ा क्या कर लोगे क्यों भाई क्यों थोड़ा क्या मतलब तुम लोग टीएनटी बना रहे थे यार स्पॉन तोड़ने का बना रहे थे हमने कई बार फार्म टीएनटी के लिए थोड़ी ना बनाया था हमने एसपी के लिए बनाया था क्योंकि वो ज्यादा ऐसा एसपी के लिए अच्छा एसपी के लिए बनाया एसपी के लिए तुम और कुछ फार्म नहीं बना सकते टीएनटी वही गन पाउडर में ले तुम क्यों आपकी मर्जी क्या आप हमारी एसएमपी हम कुछ भी करें फार्म स्पॉन थोड़ी ना तोड़ रहे थे स्पॉन तो अगर जब मैं जीसी आया तुम लोग बोल रहे थे स्पॉन में नुकसान होगा वो सब अरे वो तो हम ऐसे फेंक रहे थे ऐसे को डरा रहे थे मजा आ रहा था करने में क्या मतलब मजा आ रहा था भाई अब देखो या तो एसएमपी में आप बॉयस गैंग रहेगी या फिर ओमपीएस गैंग रहेगी तो एक काम करो अपने तीन बंदे ले आना हम अपने तीन बंदे ले आएंगे देख भाई सिंपल सी बात है यार मैं हमेशा ना वोट टालने की कोशिश करता हूँ लेकिन अगर तेरे को वो सब करना ही है तो भाई अरे करते हैं ना करेंगे वोट तो करेंगे वोट तो होके रहेगी आपने बोला छोड़ दिया यार अबे यार चल एक काम कर मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ मेरे कासल के नीचे ना थोड़ा खजाना है ये ब्लॉक तोड़ हाँ ये यहाँ पर ना ये देख गोल्ड है ना इसके नीचे से माइन कर तेरे को वो खजाना ये अगर पेमेंट के लिए काफी है तो निकालने की कोशिश करता हूँ लेकिन जंग हुई एडवर्ट तो जीतूंगा तो मैं ही ए मरिया नहीं लेट्स गो द बॉयज गैंग देख भाई सिंपल सी बात है मैं हमेशा ना वॉर टालने की कोशिश करता हूँ लेकिन अगर वॉर हुई तो जीतेंगे तो हम ही भाई जो तेरे को करना है कर क्या फायदा हुआ यार ओम इधर सामने नंगा खड़ा है अभी मैं तेरे को बैन कर सकता हूँ क्या फायदा हुआ क्यों करनी तेरे को वॉर तेरे को अभी पता चल जाना चाहिए कि मैंने आराम से जीत सकते हैं यार वॉर मारा क्यों यार फेयर फाइट करने की तुमने नहीं भाई अभी तेरे तीनों बंदे पूरी एसएमपी के तेरी पूरी गैंग तेरे पीछे खड़ी है लेकिन एक में भी दम नहीं आके मेरे को एक हिट मार ले समझ रहा है ये देख इनमें से कोई भी अभी वो नहीं चाहता कि मैं मतलब मार दे सब समझ रहा है सब तेरे को ऐसे घूर रहे हैं मारने मेरे को कोई नहीं आ रहा
किसी को परवाह नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तो इसके बाद ओम को समझ में आ गया था कि वो 3v3 में बिल्कुल नहीं जीत सकता, तो उसने वो 3v3 का मैच कैंसिल कर दिया एंड ऑल दैट थिंग। लेकिन अगर वो 3v3 का मैच होता तो डेफिनेटली हम जानबूझ के हार जाते, क्योंकि अगर हम जीतते तो ओनर वो सब वो तीन मतलब ओमपीएस गैंग बैन हो जाती, जिसकी वजह से एसएमपी का बैलेंस थोड़ा उधर उधर हो जाता। सो वो सब सीन था। और बाद में एसएमपी में बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह हुई, जिसके बाद में उन्होंने फैसला लिया कि जितनी भी गैंग्स हैं एसएमपी के अंदर, ओम गैंग, बॉयज़ गैंग एंड सब, वो सब बंद कर दी जाएँ। सो यस यार, आई नो बहुत सैड है कि पिछले एपिसोड में तो बॉयज गैंग बनी थी और नेक्स्ट एपिसोड में ख़त्म भी हो गई, तो क्या ही कर सकते हैं यार। लाइक इससे एक चीज़ तो अच्छी हुई कि एसएमपी में पीस हो जाएगी, अब कोई किसी का दुश्मन नहीं है एंड ऑल दैट थिंग, सब एक दूसरे के दोस्त बन करके रहेंगे अब। सो यस, ओम भी अब मेरी टीम में है, और बाद में मेरे पास अभी एक और प्लान है जिससे मैं पूरी एसएमपी को पागल बनाने वाला हूं। सो मैं कैसे बनाने वाला हूं? देखो ओम, जरा तो तेरे नीचे वाले दो ब्लॉक तोड़ेगा। ठीक है, तोड़ता हूं। तोड़ दिया। बाद में पूरी एसएमपी एकदम शॉक हो गई, हालांकि वो वीसी में ही थे लेकिन वो इतने शॉक हो गए थे कि कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बाद में वो दूसरे अपने ग्रुप के वीसी में चले गए और प्लानिंग बनाने लगे मेरे को मारने की, बट उनको क्या पता प्रैंक हो गया आपके साथ। बस एक फन फैक्ट बताऊं, अभी तक इनमें से जितने भी एसएमपी मेंबर है ना, सब यही सोच रहे हैं कि मैंने ओम को एक बार बैन किया था, बट एक्चुअली मैंने ओम को कभी बैन किया ही नहीं। ये उनको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा, अभी तक हमने उनको किसी को कुछ नहीं बताया। सो यस, बहुत गंदा प्रैंक हो गया इनके साथ। अब पूरी एसएमपी मेरे लिए ट्रैप बना रही है, मेरे को खतरनाक प्लानिंग बना रहा है मेरे को मारने की, लेकिन यार कोई बात नहीं यार, बाकी पूरी एसएमपी मेरे पीछे पड़े चलेगा, लेकिन ये बिस्कुट को क्या जरूरत थी? बाकी मेंबर का समझ में आता है कि वो पहले उनका लीडर रह चुका है इसलिए उनको गुस्सा तो आएगा, लेकिन वो बिस्कुट को कहाँ आ रहा है भाई? ये तो मेरी टीम का था पहले, इसको कहाँ गुस्सा आ रहा है? इस बंदे को इतना गुस्सा आया मेरे पे, इसने मेरे लिए ट्रैप बना दिए, ये मेरे को भला बुरा बोलने लगा, मेरे को गालियाँ देने लगा लिटरली। बाद में जो हुआ ना आप खुद देखो भाई बंदे के साथ। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। हाँ भाई बाड़क मेरे खिलाफ जाएगा तू, कुतरिया साला इतना बड़ा हो गया तू, हैं गॉड ऑफ वॉर के खिलाफ जाएगा? रुक जा बेटे, तू जिस स्कूल में पढ़ा है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन उसका हेडमास्टर रह चुका हूँ, तो मेरे से ना बकचोदी मत किया कर, क्योंकि ये सब ना मैं चौथी में करता था, समझ रहा है? मुझे अपने घर जाना है। मुझे बिट्रे करेगा बिस्कुट है? मुझे बिट्रे करेगा बेटे, तेरे को कहीं का नहीं छोड़ा ऑफसीडन में कहते। क्या यार, क्या जरूरत थी उस ओम के खिलाफ, मतलब ओम की वजह से मेरे खिलाफ जाने की यार? देखा भी नहीं सामने कौन है, गॉड ऑफ फायर है क्या है? बंदे ने कुछ मजाक बना के रखा है भाई। बस इसकी आवाज़ आपको नहीं आ रही क्योंकि साला बोलता नहीं है, वॉइस रिवील हो रखी है बट फिर भी नहीं बोलता, क्या ही बोलूँ अब मैं, कितने ही ऑक्सीजन तोड़ लेगा। चल मैं तेरे को एक चांस देता हूँ, मैं ऐसा बड़ा दिल का तो बहुत अच्छा हूँ, ये ले तेरा सामान और चल, एक चांस और देता हूँ तेरे को, अब की बार ना मेरे से फालतू गिरी मत करना, जा निकल निकल पहली फुर्सत में निकल अब। बट कहते हैं ना कुत्ते की दुम ना कभी सीधी नहीं होती, वही ना वही सेम सीन हुआ, मैंने इस चाय में डुबो डुबो खाने वाले बिस्कुट को एक चांस देके बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर देती, ये मुझे तब पता चला जब ये हुआ।
भाग भाई, लेफ्टी करना तो बुलाया क्यों भाई फाइट के लिए? खुद बुलाता है वन यू वन के लिए, खुद भाग जाता है सड़क। जैसे ही मैं आया बंदे ने भाई दुम दबा के जो भागा है ना ये बंदा, ऊपर से कॉम्बैट लॉक करके गया और मेरा इंचांटेड भी वेस्ट करा दिया बंदे ने, अच्छे से यूज भी नहीं किया यार। भाग यार भाई, मजा ले ये बंदा, दूसरे चांस देने के बाद सुधर जाए, ये बंदा तो और बिगड़ गया भाई। मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी इस बंदे को दूसरा चांस देके। आज के बाद मैं कभी भी भाई किसी भी को गलत दूसरा चांस नहीं दूंगा, क्योंकि कुत्ते की दुम ना कभी सीधी होती नहीं है भाई। समझ गया भाई, ये लाइफ लेसन मिल गया भाई मेरे को आज। ये बंदा भी अब मेरे खून के पीछे पड़ा है, मैं भी उसके खून के पीछे पड़ा हूँ, अब देखो आगे क्या होता है। फिर ओम और पूरी एसएमपी उसके साथ में आ गई थी और ओम ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी यार उसकी टीम में जाके। बाद में मेरे को मजबूरन ओम को भी मानना पड़ा, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मेरे को मानना पड़ा उस कुत्ते की वजह से। बाद में ओम को पता चल गया था कि इससे बड़ा नमक हराम खोर इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लाइक सीरियसली यार, बिस्कुट को बचाने के लिए उसने अपनी सेक्रीफाइस दे दिया, जबकि उसको पता था कि वो मेरे को नहीं मार सकता। एसएमपी की पीपी मेरी बहुत तगड़ी है, उसको पता था ओम को, बट उसने फिर भी मेरे से पीपी की और वो बेचारा मर भी गया, उसने अपना सेक्रीफाइस दिया। बाद में बिस्कुट खुद उसको गालियाँ देके भाग गया भाई, बोला मैंने थोड़ी बचाने को बोला था, ऐसे पिट गया, ऐसे बोल के भाग गया ये। अब खुद बताओ कैसा लगेगा बेचारे बंदे को। बाद में पूरी ओम और पूरी एसएमपी मेरे साइड हो गई और बाद में इस बिस्कुट का क्या हुआ आप ही देखो। बाद में मैंने उसको धमकी दी कि जल्दी अपने घर पे आ जा वरना हम तेरा पूरा घर जला देंगे, लेकिन उल्टा वो मेरे को ही धमकी देने लग गया कि मैं तेरा कासल फोड़ दूंगा ऐसे करके कुछ। तो इससे हालांकि ओम अच्छा खुश नहीं था कि ऐसा घर वर मत फोड़ो ऐसा करके कुछ, एसएमपी का वो हो रहा है मतलब एसएमपी डिस्ट्रॉय हो रही है इसके चक्कर में। बट मैंने इसको जैसे तैसे समझा लिया, बाद में वो भी मान गया, हमने इसका पूरा घर जला दिया। देन बार बार वो वही धमकियाँ देने लग गया था कि मैं तुम्हारा कासल फोड़ दूंगा एंड ऑल स्टफ लाइक दिस। तो मैंने बोला फोड़ दे या फोड़ दे। साले तू क्या मेरा कासल फोड़ेगा, मैं खुद का कासल फोड़ दूंगा। तुम लोग ने मेरे को कमजोर समझा क्या, जो आ रहा है वो धमकी दे रहा है साला कासल फोड़ दूंगा कासल फोड़ दूंगा। तुमने समझ क्या रखा है यार, मेरे को कमजोरी ढूंढ ली क्या तुमने मेरी? गोल्ड फायर की बेटे कोई कमजोरी नहीं है, गॉड ऑफ फायर की एक ही कमजोरी है कि वो खुद समझ रहा है। तेरे जैसे 2 रुपए के टट्टे आ गए मेरे को कासल की धमकी देंगे तो मैं डर जाऊंगा, ऐसा समझिए। समझना भी मत, भूल के भी मैं समझ जाएंगे ठीक है। जब बात का सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए ना, मैं किसी के बाप को नहीं छोड़ता। फिर क्या राजा क्या सिंहासन, परिभाषा पावन। बाद में मैंने इस बंदे को इतना मेंटली टॉर्चर किया, इतना इसको वो किया ना कि भाई इस खुद ने, इस बंदे ने खुद ने जाके एसएमपी में खुद को ही बैन कर लिया भाई। भाई इतनी हंसी आ रही ना मेरे को, इस बंदे ने खुद को बैन कर दिया भाई, क्या ही बोलूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, ये सब छोड़ो, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मैं खुद हार्ट ऑफ लाइफ क्रिएट करके इसको अनबैन करूँगा, इसको एक थर्ड चांस दूंगा, लेट्स सी क्या होता है यार। और मेरे को आज फिर से एक और बार वो चीज़ बोलने का मन कर रहा है, द आइकॉनिक डायलॉग, आई एम नॉट अ किंग, आई एम नॉट अ गॉड, आई एम द गॉड ऑफ फायर। मीनवाइल मैं इन सब चीज़ों में भूल गया था कि मैं कितना ज़्यादा ईविल बन गया हूँ और मैंने एसएमपी के बहुत सारे बिल तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर दिए एसएमपी में। बट क्या करूँ यार, वायलेंस वायलेंस वायलेंस। सो बाकी आपको आगे पता ही होगा, बट यार अब मैं भी जेल में जा रहा हूँ क्योंकि नेपोटिज्म तो चलती नहीं। अगर मैंने को जेल में नहीं डाला तो ये बाकी बंदे बोलेंगे उनको क्यों नहीं डाला। सो यस, ओम फाइनली मेरे को जेल में डालने वाला है यार, कोई बात नहीं। हेलो गोल्ड बेयर भाई, क्यों कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप मुझे अपनी गारंटी लगा के और अपने अंडरटेक के लिए सारा काम कर भाई। ठीक है भाई, भाई ये जो सॉर्ड ये प्लीज किलर को दे देना यार, वो बेचारा उसकी है भाई। ओके ये प्लीज उसको दे दियो। ठीक है, मैं इन्वेंटरी क्लियर कर रहा हूँ, मेरे को उसका घर नहीं जलाना चाहिए था, ये भी सही था, मैंने उसका घर भी जलाया। एंड यार बहुत दुख हो रहा है यार, हम क्यों अभी भी एक सेकंड क्यों करना भाई, छोड़ना है ये पहन, ये पहन, इसके अंदर इसको पहन, उसको इसको पहनो। व्हाट इज दिस कर्स ऑफ मैनेशन, आर यू सीरियस ब्रो, आर यू सीरियस एट दिस टाइम? मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ये तेरे को पता है मैं कभी मर सकता ही नहीं जदन पे। अबे यार नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं जी ना, ठीक है हाँ वही ना, बहुत रूड हो रहा था। सामान चल के सारा डाल दो यार, एक बार यार तू प्लीज भीड़ टाइम, ठीक है।
चाहिए वो उसका ही है क्या? यो भाई मेरे को पता है क्या है इसके अंदर ज्यादा थोड़ा तो मजाक करना चाहिए ना जैक्सन, ऐसे मैं 8 अप्रैल तक तो रहूंगा नहीं, मैंने आई नो बहुत काम कर लिए। अरे क्या क्या भाई थोड़ा बहुत वो है सारे ने मेरे को गाइस खाली 1000 ब्लॉक दूर जाके ये प्रिजन है जिसके अंदर इसने मेरे को डाला है। शिट चल ये ले भाई जितना भी सामान था। अब ये तेरी पिंक फूल जो मैंने तेरे ऑक्शन में चुराई थी ये रही। दो जल्दी जल्दी ला नहीं दे रहा यार ये थोड़ी तो गया ले 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 भाई इसके ही ऑप्शन में चुराई थी इससे। ओके ओके ओम मैं बहुत गरीब हूँ यार सीरियसली मैं बहुत गरीब हूँ क्यों चुरा रहा है भाई मेरा सामान। चल चुरा क्या रहा है बट देख यार मेरी शलकर से अब तो शलकर तो मैं इन्वेंटरी में डाल नहीं सकता तेरी ये तेरा सामान उठा ना भाई हूँ बाद में ये थोड़ा बहुत चलकर से इनमें भी थोड़ा बहुत मेरा हल्का फुल्का सामान है थोड़ा बहुत एक गरीब के पास जो हो सकता है लाइक थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही यार हम ज्यादा बिल्कुल नहीं है ज्यादा बिल्कुल ये दो हार्ट है ये पता नहीं किसके हैं बट ले ले एक्चुअली ये तेरे ही हार्ट है दो जब बीच में रखे ना ये ये थोड़ा सामान है चल कोई ना यार जब अब तो मेरा दोस्त रहा भी नहीं। आई हेट यू क्या मतलब भाई देख सुन यार मेरे साथ सुबह ना एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ जिससे मेरी गॉड ऑफ फायर वाली स्वॉर्ड गॉड ऑफ फायर वाला आर्म हैंड चला गया। तो क्या करना है वैसे वो नॉर्मल है उसके बदले मैंने खाना खाना टाइम टाइम कितना दिन है अपने आज है 20 तारीख तो कुल मिला के 18 दिन तक प्रिजन है 18 दिन ये खाओ और दे और दे और दे एक स्टेक और दे एक स्टेक और मेरे पास खुद अच्छा अच्छा पड़े नहीं मेरे पास हाँ चलो ये लो हाँ मेरे ही तो थे अब मेरे ही थे सानी यार देख यार तू सही नहीं कर रहा है तू बिस्कुट के लिए क्या कर रहा है इतना अच्छा भी नहीं था कितनी एस एम पी साथ में डिस्ट्रॉय किया है डोमिनेटर कितनी एस एम पी में हमने डोमिनेट किया है और ये व्यक्ति को तू बस एक बिल्ड के खातिर या फिर थोड़ा बहुत एक बिस्कुट वो बच्चे के खातिर तो मेरे को यहाँ पर प्रिजन में डाल रहा है ये तो बहुत बेकार है। बढ़िया एसएमपी वैसे एसएमपी नहीं है पुरानी वाली एसएमपी। आई नो रूल्स आर इम्पोर्टेंट बट इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम दोस्त को ऐसा धोखा दे दे।